और आज हड़तालों का मंगलवार है। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, मंत्रालय के कर्मचारियों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने भी विरोध जताया है। तो इस वक्त सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां चलते हैं। प्रमोद, किस तरह का वहां पर माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है? बिल्कुल ऋतु, देखिए सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की हो, चाहे मंत्रालय के बाहर सुंदरकांड पाठ कर रहे हो मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं, या फिर हम बात करें तो बैंकों में जो ताज सटर नीचे है और ताले डले हुए हैं, बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो साफ कहा जा सकता है कि आज मध्य प्रदेश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है। प्रशासनिक कार्य नहीं होंगे क्योंकि मंत्रालय के तकरीबन 2000 से ज्यादा कर्मचारी आज काम बंद करके सुंदरकांड कर रहे हैं। भगवान हनुमान को जो अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो सुंदरकांड पाठ करके इस तरीके से मंगल अर्चना कर रहे हैं। तो मंगलवार के दिन हम कहें तो हड़तालों का आज मंगलवार कह सकते हैं। और संविदा कर्मचारियों की बात करें तो बड़ी लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है। मध्य प्रदेश के तमाम 34 विभागों में ये कार्यरत है संविदा कर्मचारी। ऋतु देखिए, लंबे समय से ये सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और संविदा कर्मचारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस दौरान कांग्रेस ने वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद 90 दिन में उन्हें उनकी मांग मान ली जाएगी। मध्य प्रदेश के तमाम 55,000 जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन 90 दिन तो बाद दूर, तकरीबन 100 दिन और इसके बाद अब 10 माह हो गए इनकी मांग पूरी नहीं की गई है। और इसी को लेकर आक्रोशित है संविदा कर्मचारी और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भोपाल के पत्रकार भवन के मैदान में ये तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में कार्यरत जो संविदा कर्मचारी वो हड़ताल पर बैठे और साफ तौर पर सरकार को चुनौती दी है और वादा खिलाफ चल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग जो है बेंच में पहुंचते हैं, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस वजह से। तो कितने दिन ये हड़ताल जारी रहेगी, क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही है, अपडेट्स मिल रहे हैं इस बारे में? देखिए, बैंक कर्मचारी के जो 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके भविष्य आधार में लटक गए। देखिए, केंद्र सरकार ने 10 बैंकों का जो है विलय किया करने की घोषणा की है, जिसके बाद ये कर्मचारी लामबंद हुए और साफ तौर पर आने वाले 2-3 दिन बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल पर रहेंगे। मतलब साफ है, दिवाली के समय पर जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, जो लोग बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कम से कम उनके मंसूबों पर ऋतु पानी फिरता नजर आ रहा है। और देखिए, बैंक कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जो बैंक में काम के दौरान जो त्रुटि होती है उसको लेकर एक जो है जिसकी कार्रवाई निर्धारित की जाए, जिसकी त्रुटि होती है उसे दंड दिया जाए, और इसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है, और जो बिला है उसको रोका जाए ताकि उनका जो परिवार चलता है जो बैंक कर्मचारियों के जरिए उनकी कमाई के जरिए, कम से कम उनके भविष्य धर्म में ना लटके। फिलहाल देखिए, बैंक बंद है तो जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं उनके मंसूबे कम से कम वही ठंडे हो गए। और इसके अलावा हम बात करें तो मंत्रालय के तमाम कार्य आज प्रभावित होंगे, जो सीधे जन कल्याण सरोकार की जो योजनाएं होती हैं जो फाइल इन कर्मचारियों के जरिए। चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए।